हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बीएड थर्ड सेम मैथमेटिक्स का हाल ही में नवंबर 2022 का पूरा पेपर सॉल्यूशन। तो टाइम को वेस्ट किए बिना सीधा ही शुरू कर देते हैं पेपर सॉल्यूशन, जिसमें पहला सवाल आपको देखने को मिला था, डैश इज द वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस ट्वेल्व। तो जैसे कि हमको पता ही है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको फैक्टराइजेशन कर देने से उसके जीरोस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल मेथड इस्तेमाल की है, जिसमें से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला है, उस हिसाब से एक इस एक्चुअली क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो आपको पता है कि इसके तीन जीरोस मिल सकते हैं। तीन जीरो में से दो जीरोस जो हैं वो इमेजिनरी फॉर्म में चले जाते हैं, रियल जीरो सिर्फ एक ही मिलता है जो कि है x इज इक्वल टू सिक्स। तो इसका सही आंसर होगा 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में आप जानते ही हो कि ऐसे तीन नंबर जो पाइथागोरस के ट्राइंगल में फिट बैठे उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे चार ऑप्शन थे, उसमें से आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा कि कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसका शॉर्टकट ये है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू शॉर्टेस्ट साइड, जो छोटी दो साइड है उसका स्क्वायर करके अगर आप एडिशन करें तो लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर हो, वो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा मुझे मिल जाता है 33, 56 एंड 65। हालांकि प्रोसीजर आपको चारों ऑप्शन के लिए करनी पड़ेगी। इससे बेटर है 1 to 100 तक के पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप याद रख लो। 25% ऑफ डैश इज इक्वल टू 1075। किसका 25% 1075 होता है? तो यहाँ पे जो चीज़ हमें पता नहीं है उसको x कंसिडर कर लीजिए। तो 25% ऑफ x इज इक्वल टू 1075। परसेंटेज की जगह पे 1/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन। एक्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो 1075 मल्टीप्लाइड 4 जो कि हो जाएगा 4300, जो कि सही जवाब है। डैश शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट। वैसे तो बहुत सारी चीज़ है, फ्रैक्शन को भी ऐसे कहा जाता है कि फ्रैक्शन जो है वो होल और पार्ट का रेशियो दिखाता है, पर क्योंकि ऑप्शन में फ्रैक्शन नहीं था, पाई चार्ट ऑप्शन में था, तो यही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर, किसी बंद सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप सर्कल प्लस बॉटम सर्कल, तो पाई 2πRH प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको सीधा फॉर्मूला मिल जाएगा 2πRH + R। हालांकि ये फॉर्मूला ही है, आप याद कर सकते हो, पर किस तरीके से आया उसके लिए अगर आप जानना चाहते हो तो ये एक अच्छा तरीका है। सिक्स्थ क्वेश्चन, तो इसका जवाब था 2πR (H+R). डैश नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 26 एंड 27। 26 के स्क्वायर और 27 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है? इसका बड़ा ही आसान तरीका है, इसका एक फॉर्मूला है 2n, जहाँ पे n स्क्वायर एंड n स्क्वायर प्लस 1 के बीच के नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स को ढूंढा जा सकता है, जहाँ पे n जो है वो अगर दो डिजिट है कॉन्सिक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले, तो उसमें जो लोअर डिजिट है छोटा डिजिट है उसको डबल कर दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 2n, जो कि है 2 × 26, विच विल गिव यू 52। आगे बढ़ते हैं। 268a इज डिविजिबल बाय 3, लिविंग रिमाइंडर 0, देन a इज इक्वल टू व्हाट? अगर किसी भी नंबर को 3 से परफेक्टली डिविजिबल करना है, दैट मीन्स कि रिमाइंडर 0 लाना है, तो सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर 268a है तो 2 + 6 = 8, 8 + 8 = 16, 16 प्लस हाउ मच विल गिव यू अ मल्टीपल ऑफ 3? 3 के टेबल में आने वाले नंबर ही हो सकते हैं, तो 16 से क्लोज 18 है, तो एक ही जगह पे अगर हम 2 रख दें तो वो सम 18 हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल भी होगा और रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी रूल्स आप सभी नंबर्स के लिए जानना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में एक डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो भी है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, इफ 2x/3+1 = 7x/15+3, इसमें कुछ नहीं करना है, x को सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूला मेकर बनाना है, सारी वैल्यूज को उस तरफ लेके जानी है, सिंप्लीफाई जैसे ही करते जाओगे आपका आंसर आ जाएगा 10। 1+cos a / sin a = what? ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था,
रैशनलाइज द न्यूमरेटर के हिसाब से जो आपने प्लस लिया है उसी को माइनस लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई करते जाओ, तो फाइनली आपका जो आंसर बचेगा वो ये है साइन ए अपॉन वन माइनस कॉस है जो ऑप्शन में मौजूद है। टेंथ, माइनस फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाई थ्री अपॉन सेवन मल्टीप्लाई फिफ्टीन अपॉन सिक्स, ये भी काफ़ी आसान है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन टर्म है उसको कैंसिल करते जाओगे तो लास्ट में ऊपर कुछ नहीं बचेगा, नीचे दो बचेगा, योर आंसर विल बी वन अपॉन टू। इफ एक्स माइनस वन इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स, अगर ये चीज़ आप ध्यान से रखो, जब भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आते हैं और एक फैक्टर आपको दे दिया गया है तो उस फैक्टर को सीधा ही जीरो के साथ कंपेयर करके आप एक्स की वैल्यू निकाल दो। एक्स की वैल्यू जैसे ही आपको मिल जाती है उस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल के एक्स के साथ रिप्लेस कर दो, उसको सिंप्लीफाई करते जाओ, तो डायरेक्टली यू विल गेट आंसर एज अ माइनस टू माइनस रूट टू। ऑफकोर्स माइनस को अगर कॉमन निकाल दोगे तो ब्रैकेट में टू प्लस रूट टू आपका आंसर आ जाएगा। 15 क्यूब प्लस माइनस 9 क्यूब प्लस माइनस 6 क्यूब टू द इज इक्वल टू डैश, देखो इसको तीनों के क्यूब निकाल के एडिशन करोगे तो हो सकता है, पर वो तरीका एक मार्क के ऑब्जेक्टिव के लिए लाजमी नहीं है, तो आपको ये करना चाहिए क्योंकि ये आइडेंटिटी 9th स्टैंडर्ड में अवेलेबल है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट ही समझ लो। तो अगर यहाँ पे देखो 15 माइनस 9 इज 6, 6 माइनस 6 इज 0, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी काफ़ी इजीली अवेलेबल है, तो ए बी सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगी तो आंसर आ जाएगा 2430 जो कि आपके ऑप्शन में है। When polynomial x cube plus 64 is divided by x plus 4, the quotient is, यहाँ पे लॉन्ग डिविजन आपको करना ही पड़ेगा, पॉलिनोमियल का डिविजन आपको सीखना ही पड़ेगा अगर इसको करना है तो। और एक तरीका भी है फैक्टराइजेशन मेथड, अगर वो आप जानना चाहते हो कि वो किस तरीके से कहते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो इसका डिवीजन करने के बाद क्वोशेंट हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 16, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। 14th, एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ABC इफ ACD इज 110 डिग्री एंड A इज इक्वल टू 60 डिग्री देन B इज इक्वल टू व्हाट, फिगर बना लो, फिगर में सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, बाद का खेल काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखो ACD एंगल जो है और ACB एंगल जो है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, दोनों मिला के 180 होते हैं, तो ACB इंटीरियर एंगल हमारा 70 हो जाएगा। बाद में ट्राइंगल ABC की बात करें तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। A और C आपके पास है, उसको अगर 180 में से माइनस करोगे तो B की वैल्यू बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी जो कि होगी 50 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ASP जो लिखा है वो एंगल सम प्रॉपर्टी है, LPA जो लिखा है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव्स में, पर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो आया। इन ट्राइंगल PQR PQR सेम है, सीधी बात हो जाती है कि अगर तीनों एंगल सेम है तो तीनों साइड भी सेम होंगे, तीनों साइड सेम है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो एक साइड अगर 6 है तो तीनों साइड 6 6 6 होगी, तो पेरीमीटर 6 + 6 + 6 = 18 हो जाएगा, सीधा ही आपका आंसर निकल जाएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 rupees एट 10% फॉर 2 years इज रुपीज डैश, यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला भी हमारे पास अवेलेबल है, पर ये जो फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो यूनिवर्सल फार्मूला है, क्योंकि इससे आप कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम आप कर लोगे, जो है a इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस r परसेंट अपॉन n n इंटू t। अभी ये नोमेनक्लेचर क्या है उसको समझ लीजिए, a इज फाइनल अमाउंट, p इज इनिशियल प्रिंसिपल, r इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज से आप जब नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे तब आपको डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, n जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट एम्प्लाइड पर टाइम पीरियड, पूरे टाइम पीरियड में कितनी बार इंटरेस्ट लग रहा है, मान लो कि क्वार्टरली यानी कि 3 महीने लग रहा है तो 1 साल में 4 बार लग रहा है, अगर 2 साल का टाइम है तो 8 बार लग रहा है, तो तब जाके आपको n इज इक्वल टू 8 लेना है अगर 2 साल लग रहा है और क्वार्टरली है तो। अगर मान लो एनुअली है तो वो साल में 1 बार ही लग रहा है, पर मान लो 3 साल के लिए है तो आपको 3 लेना है, तो
इस तरीके से बाद में टी है नंबर ऑफ टाइम पीरियड एलैप्स्ड, मतलब कितने वक्त के लिए है, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, उस हिसाब से अगर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा 24,200, जो कि आपका एन्यूअल फाइनल इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिला के जो प्रिंसिपल बन रहा है वो है। अगर इंटरेस्ट चाहिए तो आपको सबट्रैक करना पड़ेगा ए माइनस पी, विच विल यू गेट इट एज 4,200। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। टू गेट एक्स वाई जेड वी हैव टू सबट्रैक्ट एक्स वाई जेड फ्रॉम, अगर एक्स वाई जेड चाहिए तो एक्स वाई जेड को किस में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। फुद्दू जैसा प्रॉब्लम है, 2xyz में से 1xyz निकाल दोगे तो xyz जवाब बच जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, इफ अ पिरामिड हैज अ हेक्सागोनल बेस देन द नंबर ऑफ इट्स वर्टिसेस इज, अगर किसी पिरामिड का बेस हेक्सागोनल शेप में है तो इसके वर्टिसेस कितने होंगे। ऑब्वियसली बात है नीचे के 6, क्योंकि ये पिरामिड है ऊपर का, 1, 6 और 1, 7 आपका आंसर हो जाएगा। इन केस अगर प्रिज्म होता तो नीचे के 6, ऊपर के 6, टोटल 12। और आगे बढ़ते हैं, इन अ सॉलिड इफ एफ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 5, किसी सॉलिड के अंदर फेसिस 5 है, वर्टिसेस 5 है, देन द नंबर ऑफ एजेस इन दिस शेप इज, तो इस शेप की एजेस कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, एक फॉर्मूला है यूलर्स इक्वेशन करके, जिसमें है एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। इसको याद रखने का बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है, 5 इज इक्वल टू 2। एफ देखो, इस प्लस को आई समझ लो, वी ई तो आपको दिख रहा है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, तो 5 इज इक्वल टू 2। इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज रख दोगे तो आपको एजेस मिल जाएंगे 8, 5 के बराबर 2। 20th, 3, 3.5.9.x आर इन प्रोपोर्शन, जब भी प्रोपोर्शन हो तो इसको समझो 3:5 एज 9:x, और जब भी प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम हो एक ही फॉर्मूला आप याद रखो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, बीच वाले दो का मल्टीप्लीकेशन छोर वाले दो के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। जो अननोन वैल्यू है उसको फॉर्मूला मेकर बनाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा x इज इक्वल टू 15 या वॉट एवर जो भी इक्वेशन के हिसाब से है, पर इसको ऐसे आसानी से किया जा सकता है। रेशियो ऑफ 5 पैसे एंड 2 रुपीज, 5 पैसे और 2 रुपए का रेशियो क्या है। रुपए को पैसे में कन्वर्ट करो या पैसे को रुपए में कन्वर्ट करो, यहाँ पे इजी रुपए को पैसे में कन्वर्ट होगा तो 5/200 हो जाएगा, कट कुट करने के बाद बच जाएगा आपका 1/40 जो आपका फाइनल आंसर है। 3x+2 whole divided by 3x is equal to, ये जो होल डिविजन है वो इररिस्पेक्टिव हर टर्म को आप डिवाइड कर दो तो 3x/3x+2/3x, 3x 3x विल गेट कैंसल्ड, सो योर आंसर विल बी 1+2/3x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ए माइनस बी टू द होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सिंपल आइडेंटिटी है 3ab a-b, इसमें कुछ है नहीं, आपको आइडेंटिटीज याद करनी होगी। डैश पॉइंट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स और वाई दोनों एक्सिस से एक समान डिस्टेंस पे है तो समझो कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, 0 0 1 1 2 2 3 3, एक्स एक्स वाई वाई, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, कुछ भी हो सकता है, पर एक्स और वाई दोनों सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन में ये एक ही था जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम थे, विच इज अ 4,4। a0,0 b3,0 c3,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कैसे ज्योमेट्री बना दो, एक रफ फिगर बना दो 1 2 3 4 लेके, सारे पॉइंट को आप इंडिकेट करोगे तो वो देखने से ही पता चल जाएगा। अगर ऐसे भी पता नहीं चल रहा तो याद रखो कि तीनों पॉइंट का कोई भी दो पॉइंट के एक्स एक्स मैच हो रहे होंगे, कोई भी दो पॉइंट के वाई वाई मैच हो रहे होंगे, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे कि इस फिगर में ही देख लो, 3 3 मैच हो रहे हैं, 0 0 मैच हो रहे हैं, बी और सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मैच हो रहा है, जबकि ए और बी का वाई कोऑर्डिनेट मैच हो रहा है, ये भी एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है। वैल्यू ऑफ कॉट 20, कॉट 25, कॉट 45, ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक, कि 90 में से माइनस करोगे, 20 है तो उसको 90-70 भी लिख सकते हो, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर 90 हो गया, 180 हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो उसके फंक्शन बदल जाते हैं। इसके लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री के डेप्थ के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, हालांकि मैं अभी फ़िलहाल उसमें नहीं जाऊँगा,
ये सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है इस तरीके से, आपको 1/10 45 मिल जाएगा। 10 45 का आंसर होता है 1, 1/1 विल गिव यू 1। 27, द टॉप्स ऑफ अ टू पोल्स ऑफ अ हाइट 18 मीटर एंड 12 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, तो ये कुछ इस तरीके से के पूरा फिगर बन जाएगा। 12 and 12, आप एक रेक्टेंगल बना दो तो ऑपोजिट साइड सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड सेम हो गए तो 18 में से 12 गया तो ऊपर वाला 6 बच जाएगा। बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे, साइन यूज करोगे, तो आपको जो वो स्लैंट लेंथ है वो आपको मिल जाएगी, झुकी होगी 12 मीटर। 28, अ कॉर्ड ऑफ 0.5 and 0.3। इस प्रॉब्लम में आप सबसे पहले जो चीज करेंगे वो उसका फर्स्ट देखेंगे, दोनों में अगर 0.0 है या सेम पॉइंट है तो समझ लो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है एक ही केंद्र के ऊपर ड्रॉ किए गए दो सर्कल। यहाँ पे मैंने शुरुआत में इस तरीके से किया था क्योंकि मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ये आप देखो 0 नहीं है, वो ओ है, 0.5 and 0.3, जहाँ पे ओ जो है वो सेंटर दिखाता है सर्कल का, जबकि 5 है वो रेडियस दिखाता है। तो एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस 3 है। तो इस हिसाब से अगर फिगर बना हो देंगे तो कुछ इस तरीके से बनेंगे। जो PGT आपको दिखाएगा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उसको सॉल्व करो, AB मिल जाएगा, AB आपका 4 हो जाएगा, उसको डबल कर दो। क्योंकि जब भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उसमें अगर कोई कॉर्ड छोटे सर्कल को टच कर रहा है तो वो टचिंग पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट हो जाता है और कॉर्ड को आधे आधे हिस्से में बांट देता है। तो अगर एक आपको 4 मिल रहा है तो पूरा जो कॉर्ड है वो 8 का हो जाएगा लाइकवाइज। तो इसका सही आंसर भी शायद 8 ही है। हाँ, राइट आंसर इज 8। और ये पिछले पेपर्स में भी काफ़ी पूछा गया है। कुछ कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि वो चेंज करने का वो तकलीफ भी नहीं ले रहे। द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 इज, किसी भी सेमी सर्कल के अंदर अगर ट्राइंगल को इस तरीके से फिट करना है जिससे उसका एरिया मैक्सिमम हो, तो ये एक ही तरीका है कि उसकी जो हाइट है वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए, ये मैक्सिमम एरिया कंज्यूम करता है। तो अगर हाइट ही रेडियस हो जाएगी तो ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे आर और आर, 2R क्योंकि डायमीटर है, हाइट हो जाती है आर, तो आपका फाइनल आंसर 2 कट होके आर स्क्वायर बच जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे रेडियस 8 है तो मैक्सिमम एरिया ट्राइंगल का 64 हो जाएगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 23/4। ये सवाल हर बार ये लोग गलत छापते हैं, पता नहीं क्या ये लोग ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये 23/4 नहीं है, ये 2 integer 3/4 है। अगर 2 integer 3/4 लेते हो तभी आपका आंसर बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर भी दिया ताकि हर बार की तरह इस बार भी मैं समझा सकूँ। 23/4 अगर आप इसको लेते हो और सॉल्व करते हो तो आपकी लेंथ आके बैठ जाएगी 3/4। नीचे आप ऑप्शन में देख रहे हो, ऑप्शन में कहीं 3/4 आंसर ही नहीं है। आप थक हार के 3/4 वाला एक ऑप्शन वहाँ पे है जिसमें सिर्फ ये 3/4 थोड़ा सा मैच हो रहा है, तो आप लगाओगे छोड़ो इतना टेंशन कौन ले, और 3/4 टच करके आ जाते हो और आपका आंसर गलत हो जाता है। जबकि सही सवाल कुछ एक्चुअल इस तरीके से है, मैंने लिखा भी है, बट एक्चुअल क्वेश्चन इज, इफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 2 integer 3/4 देन इट्स लेंथ इज। अगर 2 integer 3/4 हो जाएगा तो 8 + 3 = 11, 11/4 को अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो तो आपकी लेंथ आ जाएगी 3 integer 3/4, जो कि सही ऑप्शन है और नीचे दिए गए ऑप्शन में भी है। प्रिंटिंग मिस्टेक है पर कोई रिपोर्ट नहीं करता, तो हर बार 50 में से एक मार्क आपका फ्री का चला जाता है, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसको अगर कोई ऑथेंटिक पर्सन देख रहा है और इस सवाल को अगर आप चेंज करवा सकते हो तो प्लीज़ करवा दो, ताकि स्टूडेंट का एक मार्क का लॉस ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 0.25 (-3) = 0.0205 (10F-9). सिंपल है, ब्रैकेट्स को खोलते जाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लग जाएगी। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6, जो कि ऑप्शन में भी है।
32, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, किसी भी स्क्वायर का एरिया पूछे तो जो भी एरिया है उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, आपको साइड मिल जाएगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 21, तो 21 आपका आंसर है जो स्क्वायर की साइड होगी। इफ प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ अ शूज इज 450 इन वन शॉप एंड 5% GST हैज क्लेम्ड ऑन इट द अमाउंट ऑफ बिल वॉस, 450 की चीज है, 5% GST लग रहा है, तो 450 प्लस 5% ऑफ टोटल प्राइस आप कर दो, सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 472.5, जो ऑप्शन में भी है। इफ अ रेडियस ऑफ वन सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर विल बी, देखो जो हाजिर वो हथियार, टोटल सरफेस एरिया दिया है वो आपका हथियार है, उसको आप फॉर्मूला रख दो, जो अननोन वेरिएबल है उसको फॉर्मूला मेकर बनाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। जैसे कि टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का मुझे पता है 2πRh प्लस 2πR2, जिसको हम लिख सकते हैं 2πR ब्रैकेट h प्लस r, विच इज इक्वल टू 968। सारी चीजें हमारे पास है एक्सेप्ट h, तो h को वहीं पे रहने दो, बाकी जो सारी चीजें है उसको इक्वल टू के उस तरफ भेजते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। 5/8 ब्रैकेट माइनस, सॉरी 5/8 टू द होल -7 मल्टीप्लाइड 8/5 टू द होल -5 पावर, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो मेरे पास कई सारे तरीके हैं, उसमें से दोनों तरीके मैं आपको समझा देता हूँ। दो जो पहली बात तो है, जब भी किसी भी नंबर का नेगेटिव पावर हो तो उसको उल्टा कर दो, जैसे कि 1/2 का नेगेटिव पावर है तो 2/1 कर दो, तो उससे क्या होगा, जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में 1.6 के बाद कुछ फंक्शंस दिए हैं, जैसे कि a पावर m अपॉन b पावर m, सो विच इज इक्वल टू a अपॉन b टू द होल पावर m, ऐसे कई सारे हैं। उसी तरीके से 8 और 8 ऊपर भी है नीचे भी है, तो 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, 5 माइनस 7 2 हो जाएगा, इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर 8 8 नीचे 5 5 विच इज़ इक्वल टू 64/25 आ सकता है। या तो अगर आपको ये नहीं आता a पावर m b पावर m, तो आप सारे नंबर्स को खोल दो जितनी भी बार है, 8 7 बार है तो 7 बार खोल दो, 5 5 बार है तो 5 बार खोल दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो कॉमन टर्म है उसको सर्कल आउट करते जाओ, कैंसिल आउट करते जाओ, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। 36, इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड मेजर एंगल एक्स इज टू मेजर एंगल वाई इज टू मेजर एंगल जेड इज इक्वल टू 1:2:3 इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 15 देन वाई जेड इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे सारे जो एंगल्स हैं वो एक से डबल और डबल से ट्रिपल है, तो यहाँ पे जो साइड दी गई है चेक करो कि उसके सामने वाला एंगल कौन से रेशियो में है। तो यहाँ पे देखो जेड एंगल के सामने 15 है, Z खुद 3A है, तो A इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अभी इन्होंने YZ पूछा है, जो ऑब्वियसली है एंगल जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी, अगर एंगल डबल हो रहा है तो उसके सामने वाली साइड भी डबल होगी एक ही पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए, दो अलग अलग ट्राइंगल है तो नहीं होगी, एक ही ट्राइंगल में जिस तरीके का रेशियो एंगल में है उसी तरीके का रेशियो मेंटेन करके चलेगा साइड में भी, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो YZ is equal to 5। और आगे बढ़ते हैं, इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल A is equal to 90, AD is a median, if AD is equal to 6, AB is equal to 10, then AC is equal to what? PGT लग जाएगा। एक और चीज इसमें याद रखने लायक ये है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल राइट एंगल बना रहा है, अब वहां से हाइपोटेनियस के ऊपर अगर आप मीडियन बना रहे हो तो उसकी जो लेंथ होगी वो राइट एंगल वाले पॉइंट से लेके हाइपोटेनियस के ऊपर जो आपने मीडियन बनाया, उस मीडियन की लेंथ और जो दो टुकड़े हो रहे हैं वो भी सेम होंगे। यानी कि अगर मैं इस फिगर में से रेफरेंस दूं आपको, तो ए डी सी डी और बी डी तीनों एक जैसे ही होंगे, तो इस हिसाब से अगर आप चलो तो आपको बी सी मिल जाएगा 12। बी सी मिल जाने के बाद आप पी जी टी के जरिए एसी निकाल सकते हो, जो कि होगा 2√11। आई होप मैं थोड़ा जल्दी नहीं जा रहा हूँ, आप सारी चीज़ें समझ रहे हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे वीडियो देखने वाले ऑलमोस्ट सभी टीचर्स ही हैं, क्योंकि बीएड वही करता है जो टीचर बनने वाला है, तो ज़्यादा बेसिक्स में मैं नहीं जा रहा, ठीक है। 38,
The radii of a frustum of a cone are 5 centimeter, 9 centimeter and the height is 6 centimeter, then its volume. कुछ भी नहीं करना है, वॉल्यूम का सीधा फॉर्मूला आप डाल दो, विच इज़ 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यूज सारी सब्सटीट्यूट करोगे, काटकूट सही से कर लोगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 302 पाई। ठीक है, यहाँ पे आंसर पाई में था, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके पॉइंट में भी आंसर ला सकते हो, बट ऑप्शन में पाई था। तो ध्यान रखो कि ऑप्शन पे सबसे पहले नज़र हमारी चली जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम प्रॉब्लम देखते ही हमारा नेचर होता है, जिसको मैथ्स पसंद है बेसिकली, वो सीधा ही लग जाता है उसको सॉल्व करने में, पर सॉल्व करने के चक्कर में हमें नहीं पता कि आंसर कौन से फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में वो आंसर पूछ रहा है। तो जो ऑप्शन है उसको आप पहले से ही देख लो, ताकि आपको पता चले किस फॉर्म में लाना है। जैसे कि इसमें पाई में लाना था, तो मैंने लास्ट तक 22/7 को नहीं खोला, क्योंकि मुझे उसको पाई में कन्वर्ट करना था। या तो पाई की वैल्यू ही मत डालो पहले से, तो वे बेटर है। आगे बढ़ते हैं 39। एक्स बार माइनस टू, इसमें भी हर बार का झोल है। ये जो सवाल है वो एक्स बार माइनस टू नहीं है, क्योंकि एक्स बार की वैल्यू 5 भी हो जाएगी और यहाँ पे 43 भी हो जाएगी, जो प्रैक्टिकली नहीं है। यहाँ पे Z है, पर हर बार की सेम प्रिंटिंग मिस्टेक है, पिछले भी पेपर्स देख लो, Z वो कर ही नहीं रहे, परवाह ही नहीं किसी को। तो X बार माइनस Z इज इक्वल टू 3 एंड X बार प्लस Z इज इक्वल टू 45। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको X बार मिल जाएगा 24। बाद में आपको यूज़ करना है मीडियन मोड और मीन वाला फॉर्मूला, उसको मैंने याद करने का तरीका भी एक बनाया है। तीनों मीडिया ने बराबर मोड़ा, पर तूने ही मना किया। तीनों यानी कि तीन, मीडिया यानी कि मीडियन, बराबर यानी कि इक्वल्स टू, मोड़ा यानी कि जेड, क्योंकि उसमें बहुत सारे मोड़ आ रहे हैं, पर यानी कि प्लस, टू यानी कि टू, मना किया दैट इज मीन। तीनों मीडिया ने बराबर मोड़ा, पर तूने ही मना किया। इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, एक बार याद करोगे पूरी ज़िंदगी की शांति हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपको मीडियन मिल जाएगा, जो कि है 23। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विल बी ऑलवेज 1 एंड इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होगी। 0 वाले इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, 1 वाले को ट्रू इवेंट कहते हैं। ऐसे कई सारे सवाल है जो प्रोबेबिलिटी के फिक्स हैं, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम दो तो ये सारे सवाल करके जाओ, मुश्किल से 10 से 12 होंगे, तो आपका मार्क नहीं जाएगा कहीं पे भी। द डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 1 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द टोटल सर्फेसिस, अगर डायमीटर सिलेंडर का ये है, हाइट ये है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रखो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, कैलकुलेशन करो, तो 748 सेंटीमीटर² आ जाएगा, जो ऑप्शंस में अवेलेबल है। इफ 15/4 - 7x इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू व्हाट? x को फॉर्मूला मेकर बनाओ, सारी वैल्यूज को इंटरचेंज करो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा -3/4। 5√8 - 2√32 - 2√2 विल बी इक्वल टू, जो भी स्क्वायर रूट में बड़े हैं, जैसे कि 8 है उसको खोल दो विच इज इक्वल टू 2 2 2, 32 है उसको खोल दो विच इज 2^5, स्क्वायर रूट में से जो झोड़ियों में है उसको बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे 5 2 10√2 - 2 2 4 2 8√2 - 2√2। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आपको आंसर 0 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ABC, A और C सेम है, यानी कि ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, A और C सेम है, तो A के सामने वाला BC और C के सामने वाला AB, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। AC और BC की वैल्यू दिए हैं, क्योंकि आइसोसेलस है तो दूसरी साइड भी सेम होने ही वाली है, तो उसका पैरामीटर पूछा है, तीनों साइड आपको मिल जाती है आइसोसेलस होने की वजह से, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आपको आंसर मिल जाएगा 13। 45, इन ट्राइंगल ABC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ट्राइंगल का ऊपर का हिस्सा ट्राइंगल ही रहेगा, ट्राइंगल का नीचे का एरिया जो है वो ट्रेपेजॉइड हो जाएगा, ट्रेपिजियम हो जाएगा, क्योंकि ट्रेपिजियम की 1 pair ऑफ ऑपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल, अनदर साइड विल बी नॉट पैरेलल। आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल PQR, Q इज इक्वल टू 90 degree, PQ इज इक्वल टू 5 एंड PR इज इक्वल टू 30, देन एरिया ऑफ PQR इज, पहले तो PGT का इस्तेमाल करके मिसिंग साइड को ढूंढना पड़ेगा, मिसिंग साइड ढूंढ लोगे जो कि बेस है,
तो आपको 1/2 बेस इंटू हाइट आप डाल दोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा जो कि है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 47 इन अ सर्कल विथ सेंटर पी ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स इफ पी ए बी इज इक्वल टू 40 डिग्री देन सी पी डी इज इक्वल टू वॉट। अगर कॉर्ड्स सेम हैं तो वो सेंटर के साथ बनाने वाला एंगल जो है वो भी सेम होगा। तो यहाँ पे अगर ए बी और सी डी सेम हैं तो सेंटर के साथ एंगल भी सेम ही होगा उसके साथ, क्योंकि सारी चीज़ें रेडियस हैं पी ए पी बी पी सी और पी डी। तो अगर रेडियस सेम है तो मतलब ये दोनों ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल दोनों आइसोसेलस ट्राइंगल है। आइसोसेलस ट्राइंगल होने की वजह से ऑपोजिट एंगल जो है वो सेम हो जाएंगे, तो एंगल ए और बी भी सेम हो जाएंगे, एंगल सी और डी भी सेम हो जाएंगे, सारे मिलके 80 डिग्री हो जाएंगे, 40 40 40 40। तो यहाँ पे अगर हमें पी ढूंढना है तो 40 + 40 + अननोन विच विल गिव यू एज 180 डिग्री। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 100 डिग्री। 48 इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आप जानते ही हो कि ऑपोजिट साइड का एडिशन सप्लीमेंट्री होता है, मतलब ए प्लस सी 180 डिग्री होगा और बी प्लस डी 180 डिग्री होगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आपको सी 110 डिग्री मिल जाएगा और बी मिल जाएगा 50 डिग्री। तो आपको जो ऑप्शन चाहिए वो है एंगल बी विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। 49 द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी। अच्छा रोम्बस है तो इसके सारी साइड सेम होंगी, तो सारी साइड सेम है और पेरीमीटर दिया है मतलब डिवाइड बाई 4 कर दो तो आपको ईच साइड मिल जाएगी। अब साइड मिलने के बाद इन्होंने एक डायगोनल डे दी है और एरिया पूछा है। रोम्बस का अगर एरिया ढूंढना है तो आपको याद रखना है कि डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन ही रोम्बस का एरिया है। रोम्बस का एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायमीटर वन, सॉरी डायगोनल वन इंटू डायगोनल टू। अगर इस हिसाब से, क्योंकि आपको यहाँ पे पीजीटी भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो रोम्बस में चार ट्राइंगल बन रहे हैं, चारों को मतलब किसी एक ट्राइंगल को ले लो, उस एक का एरिया ढूंढ के मल्टीप्लाई 4 करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, या तो डायगोनल ढूंढ लो उसके बाद मल्टीप्लाई करके कर दो तो वैसे भी हो सकता है, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हो। तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि आपके ऑप्शन में अवेलेबल है। द हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज, एक कोन की हाइट 24 है और स्लैंट जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो इसका डायामीटर पता करो। तो सबसे पहले तो पीजीटी से इसका रेडियस ढूंढ लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया ही है, हाइट h है, r ये है, और आपको पता ही है कि कोन की एक्सिस और रेडियस दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे होते हैं। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपको रेडियस मिल जाएगा जो कि मिल रहा है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद उसको डबल कर देना और 14 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। ऑप्शन में 7 और 14 दोनों दिया गया होगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ये पेपर सॉल्यूशन होता है ख़त्म। आई होप ये आपका थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। वीडियो देख कर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो मोटिवेशन उतना नहीं मिलता, तो सब्सक्राइब से ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर इस पेपर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा क्वेश्चन पेपर की। इसके साथ साथ अगर ये सेम वाला सॉल्यूशन चाहिए जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया है तो उसकी लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, ओपन टू ऑल है, आप क्लिक करोगे आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।